सोच की तारीकी रात की तारीकी से ज्यादा खतरनाक है। दुनिया का हर शख्स दर्द का तजर्बा करता है, लेकिन इंसान फिर भी दूसरों के दर्द को नहीं समझता। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए हैं, लेकिन उसे दिल का रास्ता नहीं मिला। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, वो इंसान प्यार भी इतना ही ज्यादा करता है और इतना ही साफ दिल होता है। फासलों को आपस में कभी इतना ना बढ़ने दें कि दरवाजे खुले भी हों, लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाजा खटखटाना पड़े। जब कोई न समझ रहा हो तो तब खामोश हो जाना बेहतर है, बहस बातों को बिगाड़ देती है। जब तुम जान जाओ कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है और अल्लाह रोने वालों को। मन्नतें पूरी न भी हों तो दरगाहें बदली नहीं जाती। रिश्तों को ऐसी खूबी से निभाओ जैसे शहद की मक्खी फूलों से रस भी ले लेती है और नुकसान भी नहीं होने देती। ठोकर वही खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं हटाता। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज़्यादा ख़ास होती है। करीबी रिश्तेदारों की अदावत बिच्छुओं के डसने से ज़्यादा दर्द पहुँचाती है। कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आएगी और किसी के लहजे में बाप। जिंदगी सदियों, सालों, महीनों या दिनों में नहीं बदलती। जिंदगी उस लम्हे बदल जाती है जिसमें आप जिंदगी बदलने का फैसला करते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। मंजरें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। दो चीजें बड़ी अहम हैं, अल्लाह का डर और अल्लाह का दर। ख्वाहिशात के पांव चादर से बाहर निकल जाएं तो फिर सुकून नसीब।